बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज में असमाधान विकास यात्रा की और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता से जनसंवाद किया, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को जनता के लिए काम करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। और इतना ही नहीं, भ्रमण के दौरान सीएम के द्वारा जीविका कार्यालय में अब रेशम धागा निर्माण केंद्र का निरीक्षण भी किया गया और मुख्यमंत्री कौशी मलबरी योजना की जानकारी ली गई। तो किशनगंज में सीएम नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा में जनसंवाद किया, पदाधिकारियों के लिए निर्देश दिए, साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी की। विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश सीएम ने दिए। तो इसका मकसद यही है कि जितना काम किया गया है, जो योजना बनाई गई और उसके हिसाब से अलग अलग जगहों पर जो काम हुआ उसको देखना और आगे और क्या करना चाहिए उसको समझना, कहीं कोई कमी है तो उसको देखना। और इस सिलसिले में बहुत भारी संख्या में लोग रहते हैं तो उनकी कोई समस्या को सुनते हैं, एक एक बात को हम सुनते हैं। और जो काम हो रहा है वो तो अच्छा काम हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है ना। इसीलिए हम घूम रहे हैं कि भाई वो लोग अपना कागज भी देता है, फिर बैठ के बगल में हम सब सुनते हैं ताकि उसकी समस्या को जाने। अधिकारियों को हम तुरंत कह देते हैं कि भाई इन लोगों की बात को तुरंत देखिए।